संतु जी, आपने क्या स्टोरी है इस पेंटिंग के पीछे आपकी? इसमें मैं एक जंगल के बारे में पूरी स्टोरी बनाया है जी। जो चिड़िया रहते हैं रात में जंगल में, पेड़ में जाके बसेरा करते हैं अपना, और जो उल्लू रहता है वो रात में जंगल में चरने के लिए निकलते, दिन में नहीं चरते, रात में चरने के लिए निकलते हैं जी जी। तो वहाँ पे हाथी भी रहती है, गाय, शेर, बाघ, जो भी जानवर रहते हैं सब रहते हो, पेड़ के नीचे बैठते हैं, लेकिन उल्लू है कि रात में ही चरने के लिए निकलता है। अच्छा, तो ये आप बेसिकली क्या मतलब, ये ब्लैक स्केच या उससे करते इंक हैं? इंक पेन का काम है। ये इंक पेन का काम है पूरा। तो आप बेसिकली क्या कलर्स यूज़ करते हैं? एक्रेलिक कलर्स। कौन से मेन कलर्स, जैसे ये आपने मुझे बताया इंक पेन का, तो आपका सिग्नेचर, से कई लोगों का मैंने देखा सिग्नेचर है उनका कि उनके उसमें आकार में फिश होती है या आँखें होती हैं या किसी का तरीका होता है पत्ती अलग तरीके से बनाने का, आपका क्या एक पर्टिकुलर जिसको देख के आप कह सके ये संतु जी की पेंटिंग है? मैं ज़्यादातर ऑरेंज और ब्राउन का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ओके जी जी। कब से कर रहे हैं आप ये काम? मैं तो 2006 से स्टार्ट किया हूँ जी जी। भोपाल में जाकर सीखा हूँ, मौसा जी हैं, दीदी जी, उनसे उनका काम करते करते खुद का भी काम करने लगा जी जी। वहीं जाकर इतना कमा लेते हैं आराम से कि आजीविका चल जाए। अभी तो लॉकडाउन में नहीं, इतना लॉकडाउन ने थोड़ा मुश्किल कर दिया। उसके अलावा इससे पहले जाते थे, एग्जीबिशन करते थे। हाँ। जब से लॉकडाउन हुआ तब से अभी तो नहीं, लेकिन फिर भी अभी तो कुछ नहीं है। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी कला को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाए। थैंक यू सो मच।